आज हम रिसोटो बनाने जा रहे हैं। रिसोटो एक इटालियन डिश है और ये हम कच्चे हुए चावल से बनाएंगे। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी होती है और खाने में भी बहुत टेस्टी रहती है और बहुत झटपट बनती है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो सामान चाहिए वो है एक आधा कप दूध, एक कप हमने बाउल चावल लिया है, चीज, दो तीन कलर की कैप्सिकम जो उनसे भी आपके पास अवेलेबल हो घर में वो ले सकते हैं आप, थोड़ा सा ऑयल, कॉर्नफ्लोर, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, काली मिर्च एंड थोड़ा सा नमक। ठीक है, आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं। दूध चढ़ा रहे हैं, दूध बॉइल करेंगे। आ गया है हमारे, तो इसमें चीज डाल देंगे। चीज को हम थोड़ा सा मेल्ट होने तक चलाएंगे। इसमें हमारा कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर को हमने पानी में पहले घोल लिया जिससे हमारी गुठलियां नहीं पड़ेंगी। इसको चलाएंगे। इसी अंदर साथ में हम थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा सा नमक हम इसमें मिला देंगे। ये हमारी सॉस तैयार हो जाती है। अब हमने अलग कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है। तेल में हम तेल को गर्म होने देंगे और फिर हम इसके अंदर अपने शिमला मिर्च डाल देंगे। हम इसको थोड़ी देर तक हमारे बेल पेपर्स को भूनेंगे। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है इसे। थोड़ा सा सोटी करने के बाद हम इसे हमने जो अपना सॉस तैयार की थी वो इसमें मिला देंगे। राइस मिला लेंगे। ये हमारा बनके तैयार है रिसोटो। अब हम इसे अपनी डिश में पलट लेंगे। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगेनो और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। और ये गर्मा गर्म रिसोटो बिल्कुल रेडी है।